Hi friends, I am Irfan. Now we are start the working with statistical functions. Excel statistical functions calculates all the standard statistical measures such as average, maximum, minimum and standard deviations for the most of statistical functions. You supply a list of values which would be an entire population or just a sample of the population. You can enter individual values or cells, or you can specify a range. And now we start the count function. First of all, the count function definition bata do main aapko. Function, the count function counts only the numeric values that appear in the list of arguments. Be careful for text values dates logics your logical values and errors are ignored. तो basically क्या है, the count function जो है ये statistical function से related है. इसके लिए मैं आपको अभी एक छोटी सी database मैंने already design कर दिया ताकि आप लोगों का time बच सके. इस database में क्या है, goods production की एक रिपोर्ट है, एक छोटी सी डेटाबेस मैंने डिज़ाइन की है. उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए टू एच तक मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं. उसमें डिपार्टमेंट हेड्स नेम है, फॉर एग्जांपल अली, हमजा, उस्मान, रमेश, गुलाब, इमैनुअल, रोज़ एंड गोवन. ये तमाम डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं. अब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए का जो हेड है अली, उसकी प्रोडक्शन 3000, सेकंड की 2500 एंड नीचे तमाम किया गया. इसी तरह से डिफेक्टिव्स, अब एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन जब कंप्लीट हो गई तो हमें पता चला कि जी डिपार्टमेंट ए की तरफ से 70 जो पीसेस थे या मटेरियल की या जो गुड्स फिनिश्ड हुई थी उनमें से डिफेक्टिव निकले हैं. तो ये तमाम जो है मैंने यहाँ पे डिफेक्टिव गुड्स निकाल दिए हैं. अब एंड पे मेरे पास फिनिश गुड्स हैं. फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन माइनस डिफेक्टिव, तो मेरे पास आ गई फिनिश गुड्स. तो जो मुकम्मल गुड्स हैं मेरे पास ये वाली कम्प्लीट हुई हैं. और अगर मैं इसकी परसेंटेज लेना चाहूँ कि कितने परसेंट किसने अच्छा काम किया है, तो मेरे पास 97% यहाँ पे अली ने कंप्लीट किया. इसी तरह से 98% उस्मान अच्छा रहा है, 96 रमेश है और 98 गुलाब है, 98 मैनुअल है. इनकी मुझे परसेंटेज भी पता चल रही है कि किसने बेहतरीन वर्क यहाँ पे किया है. तो अभी मैं आता हूँ फार्मूला की तरफ. बेसिकली फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है द काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन के लिए क्या है, सबसे पहले इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, काउंट टाइप करने इन टू, आप यहाँ से कोई भी वैल्यूज़ उनकी, जो क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़, जो सेल्स हैं सॉरी, उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताएगा. तो आप कोई सा भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव्स को भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन को भी ले सकते हैं. मैं यहाँ पे प्रोडक्शन को ले लेता हूँ, क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ. तो मेरे पास अकाउंट फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यूज़ उसने बता दिए कि यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज़ टाइप की गई हैं टोटल सेल्स के अंदर वो 8 लाइंस के अंदर, मतलब टोटल काउंट्स उसकी वो नंबर्स को यहाँ पे बता रहा है. तो इसी तरह से आपने काउंट फंक्शन के एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करना है और आपने इसको मालूम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक्सेल के अंदर या फिर आप लोग जब स्मॉल डेटाबेसेस या लार्ज डेटाबेसेस डिज़ाइन करते हैं स्टैटिकल फंक्शंस में, तो आपके लिए उनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे एक्सेल के अंदर डाटा टाइप करें, जस्ट उनका फंक्शन लगाएं, फार्मूला लगाएं और एंटर करें, आपके पास उसका आंसर आ जाता है. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और मेरे पेज को इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये आपके काम आ सके. बहुत शुक्रिया.